हे गाइस, मेरा नाम उमर है और समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, गर्मी बहुत पड़ रही है। और गाइस, ज़्यादातर लोगों का जो टायर का जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो गर्मी में होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे टायर्स समर सीज़न में चलने लायक है कि नहीं है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आपके टायर्स खुद कैसे चेक कर सकते हैं। टायर की कुछ कंडीशंस होती है, उस पर आपको जज करना होता है कि आपके टायर्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स के टायर्स रखे हुए हैं, या ऐसे सैंपल मैंने रखे हैं कि इसमें से किसी भी टाइप के टायर्स आपकी गाड़ी में हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे जो डेंजरस टायर है ये चारों में से, तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाला टायर है ये सबसे डेंजरस टायर है, और इसमें सबसे ज़्यादा रबर है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है टायर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और ये डेंजरस होने की वजह ये है कि इसमें आप देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, टायर्स में क्रैक्स है, माइनर क्रैक है, और ये काफ़ी पुराना टायर है, कम से कम 6-7 साल पुराना टायर है, और ये टायर में क्रैक है। एक्चुअली मैं ये वीडियो में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ कि टायर में क्रैक है। और इसमें रबर इतना है कि ये और 25-30 हज़ार किलोमीटर चलेगा, लेकिन ये टायर काफ़ी डेंजरस है क्योंकि इसमें लोग अक्सर धोखे में रहते हैं कि हमारा टायर चलेगा। एंड गाइस, सेकेंड जो टायर है आप देख सकते हो कि ये टायर जो है शेपलेस हो चुका है, इसकी जो तार है ये सब बाहर आ चुकी है, और ये टायर बैंड हो चुका है। तो अगर आपकी गाड़ी में इस टाइप का भी अगर कुछ टायर है तो आप चेक करो और ये टायर को आप चेंज कर दो। और जिस थर्ड टायर जो है मैं आपको बताऊँगा, ये टायर पूरा वेयर आउट हो चुका है, ये एक थ्रेड वेयर इंडेक्स है, और ये रबर, ये ट्रेड वेयर इंडेक्स को रबर ने टच कर चुका है, मतलब ये टायर का लाइफ ख़त्म है। तो इस पर आप रिस्क मत लो, इसको आपको चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। और एक टायर जो है आपको बताऊंगा, ये अलाइनमेंट की वजह से टायर पूरा खा गया है, और ये रिस्की जब हो जाता है क्योंकि ये टायर कभी कभी ये पोर्शन अंदर होता है, ये पोर्शन बाहर होता है। तो आप जब टायर बाहर से देखते हो तो आपको लगता है आपका टायर अच्छा है, लेकिन अंदर से टायर की कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, तो ये मतलब काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो गाइस, ये टायर्स आप अच्छे से चेक कर लो। तो गाइज़, होप सो आपको टायर की कंडीशंस के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड गाइज, टायर्स के मामले में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैंने इसलिए आपको क्लियरली बता दिया कि इस टाइप के टायर्स आपके कार में हो सकते हैं, तो ध्यान से चेक कर लो, क्योंकि टायर जो है काफ़ी मतलब रिस्की चीज़ है, अगर टायर सही नहीं है तो सीधा एक्सीडेंट, पेडल एक्सीडेंट हो सकता है। तो गाइज, इस चीज़ पे ध्यान देना, और अगर आपके टायर में प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्द चेंज कर लेना। कार में अगर आपका एक शो आइटम कम होगा तो चलेगा, लेकिन टायर में प्रॉब्लम होगी तो नहीं चलेगा। तो होप सो गाइज, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।